subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. यूं तो देश में राजे रजवाड़ों का दौर कब का खत्म हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूर्व भद्री रियासत के राजकुमार राजा भैया का जलवा आज भी कायम है। कुंडा में आज भी राजा भैया का दरबार सजता है। आपको बता दें, उनकी कलम से निकला शब्द ही कानून है और जुबान से निकला शब्द ही इंसाफ। लेकिन शान और शौकत से जिंदगी बिताने वाले राजा भैया की जिंदगी आम लोगों के लिए एक अबूत पहेली बन चुकी है और उनकी सफेद कोटी के पीछे का तालाब एक रहस्य। लेकिन विवादों और आरोपों से घिरे रहने वाले राजा भैया की जिंदगी का एक अंदाज और भी है। आपको बता दें, खाली वक्त में गाँव की पगडंडियों पर रॉयल एनफील्ड दौड़ाना उनका शौक है और वहीं महंगी एसयूवी गाड़ियों का भी राजा भैया को बहुत शौक है। उनके काफिले में एक से एक महंगी एसयूवी गाड़ी देखी जाती है। सबसे मजेदार बात यह है कि राजा भैया को विदेशी नस्ल के कुत्ते पालने का भी बहुत शौक है। दोस्तों, ये बातें तो जमीन की हैं, आसमान में उड़ना भी राजा भैया का जुनून है। वो अपना माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं, वो भी बिना इजाजत और लाइसेंस के। दोस्तों, धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा पहनने वाले राजा भैया की लग्जरी लाइफ स्टाइल की कहानी बिना बंदूक के कहां खत्म हो सकती है। ये अलग बात है कि उनके नाम पर बस दो लाइसेंस हैं, एक पिस्टल का, दूसरा राइफल का। लेकिन जब 2003 में यूपी पुलिस ने राजा भैया की हवेली पर छापा मारा था, तब वहां से मिली थी AK-47 और कई हथियार। तो दोस्तों, ये थी कुंडा के गुंडा कहे जाने वाले राजा भैया की अनसुनी कहानी। राजा भैया से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.